हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो वेदांश। आज हम पढ़ेंगे शनि के बारे में। शनि एक ऐसा प्लेनेट है, हम स्लाइड पर चलते हैं, स्लाइड के माध्यम से समझेंगे और इसके बारे में कुछ रेमेडीज भी बताएंगे। आप लास्ट तक देखिए। सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लेनेट दैट टेक्स 30 ईयर टू ऑर्बिट द सन। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो सन का चक्कर लगाने में 30 साल लगा देता है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा चक्कर लगाने में 30 साल लगाता है, जिसको हमने 360 डिग्री को कहते हैं। और हमने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें वन पार्ट या फिर वन राशि को क्रॉस करने के लिए सैटर्न 2.5 ईयर्स लगा देता है। आप देखेंगे 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा। तो हम यही देखते हैं, सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, एक राशि में 2.5 साल रहता है सैटर्न, है ना। तो हम इसके बारे में समझते हैं, सैटर्न क्या है, कैसे है। तो देन एवरीथिंग रूल्ड बाय सैटर्न विल आल्सो स्लो डाउन इट्स स्पीड। सैडली द पेस ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम इज आल्सो स्लो। यू नो, आप जानते हैं सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है, सैटर्न का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हमारे इंडिया हमारे यहाँ पर इंडिया में तो जुडिशियल सिस्टम भी बहुत, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ही जुडिशियल सिस्टम बहुत स्लो है। सैटर्न डिलेज वर्क बट डजंट डिनाई। सैटर्न डिले करता है लेकिन डिनाई नहीं करता। एंड जस्टिस नेवर डिनाइज, जस्टिस भी डिनाई नहीं करता। नेक्स्ट, इवन द थिंग्स that move very slowly in our body are powered by Saturn, like our bones. If a bone is broken, there is no medicine that can fix it in a week, and the bone also has to be joined slowly. अब जानते हैं जब हमारी हड्डी टूटती है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर चढ़ाता है, सिर्फ प्लास्टर चढ़ाता है और हड्डी अपने आप ही जुड़ती है। और हड्डी को जुड़ने में कम से कम 1.5 महीना लग जाता है। और हमारे शरीर में जो भी चीज सबसे ज्यादा स्लो होती है, जैसे बाल सबसे ज्यादा स्लो होते हैं, हड्डी सबसे ज्यादा स्लो होती है, जुड़ती है, तो ये सन के डोमिनेंस में आ जाती है। ठीक है, पेशेंस। पेशेंस इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सैटर्न, मतलब धैर्य रखो सैटर्न के, सैटर्न का एक यही प्रिंसिपल है, धैर्य रखो। सैटर्न मूव स्लोली एंड सैटर्न ऑल्सो controls those who walk slowly like the old, disabled, etc. जो लोग बहुत धीरे चलते हैं सैटर्न उसको भी नोट्स करता है, उनको भी कंट्रोल करता है। कहते हैं कि जो ओल्ड पर्सन है या डिसेबल्ड पर्सन है उनकी कुछ हेल्प कर दीजिए या उनको कुछ गिफ्ट कर दीजिए, या फिर उनकी डिसेबल्ड या ओल्ड जो प्रॉब्लम है उनको खत्म कर दीजिए, तो उससे सैटर्न आपका कुंडली में अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप कर सकते हैं कि कोई डिसेबल्ड है जिसका पैर नहीं है तो आप उसको पैर लगवा दीजिए, या फिर कोई ओल्ड पर्सन है तो उसके लिए एक चेयर दे दीजिए या एक बेड दे दीजिए उनके चलने के लिए, तो सैटर्न इस बार इससे आपकी कुंडली में अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकली एज द सन हैज इट्स ओन एनर्जी, इट्स ओन लाइट, इट्स ओन ईगो, है ना। सैटर्न के पास, सन के पास खुद अपनी लाइट है, अपनी एनर्जी है, बट सैटर्न इज सो फार अवे दैट द सन्स इन्फ्लुएंस कैन नॉट रीच इट। दिस मींस दैट सैटर्न इटसेल्फ हैज नो ईगो, सैटर्न ब्रेक्स पीपल ईगो। समझो, अब बस सैटर्न को समझ लो, सैटर्न अपने आप में ही ऐसा है, सैटर्न के पास लाइट इतनी आती स्लो है, तो आदमी की जब दशा आ जाती है सैटर्न तो वो भी स्लो हो जाता है ना। सैटर्न इटसेल्फ हैज नो ईगो, कोई ईगो नहीं, सैटर्न अपनी दशा में ईगो तोड़ देता है। आदमी की सन आ जाता है तो सन में ईगो बढ़ जाता है, है ना। सैटर्न ब्रेक्स पीपल ईगो इन सैटर्न दशा, बट सैटर्न मेक्स अ किंग इफ देयर इज नो ईगो ऑलरेडी। और आपके पास ईगो ही नहीं है ऑलरेडी, तो सैटर्न आपको किंग बना देगा, राजा बना देगा। द वे अ पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जुपिटर, ही लर्न्स फर्स्ट एंड देन वर्क्स, है ना। जुपिटर से जो इन्फ्लुएंस होता है, जुपिटर क्या करता है, पहले सिखाता है फिर कर्म कराता है,
पहले सिखाता फिर कर्म कराता, लेकिन सैटन सैटन क्या करता, पहले कर्म कराता है फिर सिखाता है, पहले फील कराता है फिर सिखाता है, देखो। बट पीपल इफेक्ट बाई सैटन, वर्क फर्स्ट एंड देन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सिखाता है, ठीक है। गुरु जो पहले सिखाएगा फिर कर्म होगा, आप इस बात को समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं। एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सैटन एक्सपेल्स मैन वाटर, सैटन की दशा में शनि आदमी का पानी निकाल देता है, या तो पानी यहां से निकलेगा, जो पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, सैटन अपनी दशा में पानी तो निकालेगा ही निकालेगा, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सैटन की दशा में आदमी खूब मेहनत करे, खूब मेहनत करे, पानी यहां से निकाले, ना कि यहां से, ना कि यहां से। क्या होता है, आप वर्कआउट जब बंदा करता है तो उसके लिए क्या है, सुबह सुबह जब पानी पी लेता है तो या तो वो पानी तो निकलेगा ही, पानी तो निकलेगा, तो या तो आप वर्कआउट करके शरीर से पानी निकालोगे तो आपको फायदा होगा, फैट कम होगा बॉडी का, नहीं तो पानी तो यूरिन के माध्यम से निकलना ही है ना। ऐसे ही पानी तो आपका निकलेगा ही, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, या फिर यहाँ यहाँ से निकालना है, ठीक है। आपको एक यहाँ पर टिप देता हूं, अगर हम अपनी परिस्थिति से हटकर या अपने मन से हटकर कुछ काम करते हैं तो हम अपने लिखे को चेंज कर सकते हैं, तो हम अपने लिखे को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दिस मीन्स इन अ केस ऑफ सैटर्न, सैटर्न मेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम ह्यूमंस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी स्वेटिंग, बट सपोज इट इज अ टाइम ऑफ सैटर्न एंड इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू नॉट स्वेट, इवन सैटर्न वाटर विल कम आउट, हाउ विल इट कम आउट, थ्रू टीयर्स, टीयर्स के द्वारा निकलेगा। इन द दशा ऑफ सैटर्न यू कैन करेक्ट योर लक बाय वर्किंग हार्ड, स्वेटिंग टू वर्क और टू कर्स फेट। शनि टीच द हार्श ट्रूथ ऑफ द लाइफ। एस्ट्रोनॉमिकली सैटर्न इज अ वेरी डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन, हेंस इट इज अ वेरी कोल्ड प्लैनेट विथ नो फीलिंग्स। इसके पास कोई फीलिंग नहीं, बहुत ठंडा ग्रह है, कोई इसको चाहे कितना ही कुछ कर लो उसको कोई मतलब नहीं। समरी, इसके बारे में और समरी दे देते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। सैटर्न रिप्रेजेंट सर्वेंट इन सेलेस्टियल किंगडम, शोइंग हाउ वी सर्व एंड रिप्रेजेंट सर्विस प्रोफेशन इन जनरल। इट इज प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिडर कर्म फलदाता। कर्म फलदाता में आपको एक बात कहूंगा मैं, काल पुरुष जो ज्योतिष जानते हैं वो समझते हैं इस बात को, जो काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस सैटर्न को दिया जाता है, तो 10th हाउस कर्म का होता है और 11th हाउस लाभ का होता है, प्रॉफिट का होता है ना। तो सिंपल सैटर्न वहां पे डिनोट सी करते हैं कि कर्म करेगा और फल ले लिएगा। तो सैटर्न रिप्रेजेंट द हैबिट्स, हैबिट्स जो सालों में बनती है हैबिट्स, चाहे आप कोई भी हैबिट, अच्छी हैबिट या बुरी हैबिट कुछ भी हो सकती है। सैटर्न लर्न बाय एक्सपीरियंस, शनि टेक्स आउट फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, है ना, पानी निकाल देता है। सैटर्न सिंबलाइज जस्टिस, इट डिले थिंग्स बट नेवर डिनाई द फ्रूट्स। सन गिव्स लाइट बट ऑल्सो गिव्स ईगो, ही ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन ड्यूरिंग इट्स दशा इन एरिया वेयर इट सिट्स इन चार्ट एंड वेयर इट एस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सन होगा तो ईगो देगा, ही ब्रेक्स ईगो और सैटर्न ईगो को तोड़ देगा। सैटर्न गवर्न्स सर्वेंट, जमादार, सिकनेस, डेथ, हार्ट हिंड्रेंस, ट्रबल, पेन, हेयर, नेल्स, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेशन, पेशेंस, फोकस, डिसअपॉइंटमेंट, सोरो मतलब दुख, हार्ट दर्द, ट्रबल, सिकनेस, डेथ, डिप्रेशन, एरोगेंस, पुवर्टी, ओल्ड एज डिसीज, डिले, हर्डल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन,
अथॉरिटी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये सब सैटर्न गवर्न करता है। कुंडली के लिए, प्रेडिक्शन के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये इसके सैटर्न के नैसर्गिक फल, मतलब इसके नेचुरल सिलिब्रेशन। कुंडली में शनि एक तो राशि, जिस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, उसका नैसर्गिक, ये तीनों को मिलाकर देखा जाता है प्रेडिक्शन के लिए। तो आप समझ गए होंगे शनि, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। ऐसे ही कुछ जानकारी लेने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।